दूसरा, इस समय में अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, हमारी आईटी जेटी नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे समय इक्वल्स टू मनी, आपका जो समय है पैसे के ही बराबर है। तो जो भी आपके पास इस समय समय है, क्योंकि अभी अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 95% इंडियंस के माँ बाप ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे होंगे, वो खुद की अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होंगे। मैक्सिमम यही होता है, हमारे माँ बाप ने खुद यहाँ 26-27 साल तक हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम खुद यहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये कमाते थे। तो ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट, मैं सबके साथ नहीं कह रहा, पर मैं यहाँ 95 बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया में यही कल्चर चल रहा है, हम लोग इंडियन हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा आपको, कि जो हमारा जो समय होता है वो पैसों के बराबर ही होता है, तो इस समय को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। इस समय का आपको अच्छे ढंग से प्रयोग करना है, क्योंकि जो भी आप हो सकता है कि 1 या 2 साल में हासिल नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद आपको मिले, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब भी ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर तो होना ही है, क्योंकि रुकने वाला तो कुछ होता ही नहीं है, फिर से कुछ ठीक होगा, आप देखेंगे फिर से होटल्स रेस्टोरेंट सब ओपन हो जाएंगे, और आपको फिर से वही चीज़ें मिलने लगेंगी, तो उस समय और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस समय आप कंपटीशन को मात तभी दे पाएंगे अगर आपने इस समय अपने समय का सही से उपयोग किया है, इस समय में आपने चीज़ों को समझा है और उनको सीखा है। तो इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, जो भी 1-2 महीना होगा। इवन मैंने तो अपनी क्लासेस भी चला रखी है, आप उनको देखिए, ग्रुप्स में एंटर हुई है, 700-800 वीडियोस लगभग हैं, उन्हें देखिए, अपने नॉलेज को गेन कीजिए। इवन लास्ट समय, लास्ट टाइम जब कोरोना चल रहा था, तो कितने सारे बच्चे मेरी जो शिप वाली वीडियोस देखते थे, मेरी लिंक्डइन वाली वीडियो देखते थे, अभी आधे से ज़्यादा अगर आप देखोगे, काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी अच्छी फ़ॉरन में जॉब भी लग चुकी है। तो आप भी प्लीज़ जाके देखिएगा उन वीडियो को। दूसरा, यहाँ पे जो आपके पास समय है, आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने से क्या होगा, अपग्रेड करने से जब भी आप कंपटीशन के लिए जाएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, तो आप कैपेबल होंगे एक दूसरे बंदे से, क्योंकि हमेशा आप जहाँ जाएंगे आपको एक दूसरा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा, मैं हूँ चाहे आप, तो आप उससे हमेशा ऊपर रह पाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, बेसिक्स फिर से मैं वही करूँगा, कहूँगा वीडियोस है, ढेर सारी वीडियोस है, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। कितने सारे शेफ़ हैं, एक चैनल आता है बहरीन का शेफ़, उनका देखिए, एक ऑनेस्ट किचन के नाम से आता है, उनका देखिए, कई सारी लेडीज़ हैं वो आपको खाना बनाना सिखाती है, उनको देखिए। तो आप किसी भी चैनल को देखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट आपको नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पर। इस समय पे हम लोगों को, मेरा एटलीस्ट मैं बोलूँगा, इस समय पे मेरा तो फ़र्ज़ यही बन रहा है कि मैं भी अपने आप को अपग्रेड करूँ, और आप लोगों को भी इसी समय में ये भी बोलूँगा कि आप लोगों को भी यहाँ पे मोटिवेट रहना है, इस समय को बर्बाद नहीं करना है। अपग्रेड आप तभी हो पाओगे जब सबसे पहले आप अपडेट रहोगे। अपडेट रहोगे मतलब कि आपको यहाँ पर चीज़ों को डिजिटली सीखना है। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ, तो मैं लोगों को यहाँ पे कितनी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, जो कि डिजिटल माध्यम से आप लोगों के पास पहुँच रही है। तो आपको डिजिटली कनेक्ट रहना है, चाहे आप लिंक्डइन की बात कर लीजिए, गूगल फॉर्म्स की बात कर लीजिए, ईमेल लिखना कह लीजिए, यूट्यूब चलाना कह लीजिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना कह लीजिए आप, यहाँ पर तो आपको डिजिटली जाना है।